मतलब ये है कि 100-200 रुपए मुझे बच जाता है, पब्लिक का साथ नहीं मिलता है। शहर में पहली लड़की हूँ तो पब्लिक का सपोर्ट इतने अच्छे से नहीं मिलता। अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो आसानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। अमूमन आप सभी ने बड़े शहरों या महानगरों में महिलाओं को ऑटो रिक्शा चलाते जरूर देखा होगा, पर ये चीजें लोगों के लिए तब बड़ी मायने रखती हैं जब वो छोटा शहर हो या ग्रामीण परिवेश हो। वहाँ किसी लड़की का ऑटो रिक्शा चलाना बड़ी बात हो जाती है। और ऐसी ही एक कहानी रीवा जिले की रेशमा की है। रेशमा रीवा जिले की पहली लड़की है जो अपनी आजीविका के लिए ऑटो रिक्शा चलाती है, और उनका इस तरह ऑटो चलाना रीवा जिले के लिए नई और बड़ी बात है। और शायद इसलिए लोगों का बहुत सपोर्ट भी रेशमा को नहीं मिल पा रहा है, शायद उनका लड़की होना इसकी वजह भी है। देखिए ये रिपोर्ट। महिलाओं पर सवाल सभ्य समाज में खड़े किए जाते रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लें तो कभी भी महिलाओं के कामों का उन्हें वो सम्मान नहीं मिला होगा जो उन्हें मिलना चाहिए। इक्का दुक्का लड़कियों को या कुछ प्रतिशत लड़कियों को छोड़ दिया जाए तो आज भी महिलाओं की स्थिति जस की तस है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में। सड़कों पर इलेक्ट्रिक ऑटो दौड़ाती ये लड़की जिसे आप देख रहे हैं, ये बढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है जिससे ये अपना और परिवार का भरण पोषण कर सके। रेशमा एक गरीब परिवार से है, पिता पंडित हैं और 5 बेटियां हैं जिसमें से रेशमा भी एक है। रेशमा बताती है कि उसे नौकरी नहीं करनी, उसे अपना खुद का काम करना है जिससे वे अपनी आजीविका चला सके। महज 300 रुपए हर दिन के किराए में रेशमा ने ये ऑटो ली है, और किराए के पैसे देने के बाद 100 से 200 रुपए तक ही वे बचा पाती है, पर हिम्मत नहीं हारती। रेशमा ने ऑटो चलाने के लिए बड़ी मुश्किल से ऑटो ड्राइविंग सीखी है। आइए आपको सुनाते हैं रेशमा इस पर क्या कहती हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से? रेशमा द्विवेदी मेरा नाम है। आप ये ऑटो रिक्शा कैसे चला रही हैं, क्या ऐसी मजबूरी है, और आप कब से चला रही हैं, ये कब से शुरुआत की? 2022 रामनवमी से स्टार्ट की हूँ मैं। यहाँ मैं जब आई थी रीवा में तो 1.5 महीना मैं बहुत यहाँ पे स्ट्रगल की हूँ। रीवा में मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैं सारा दिन पैदल चलती थी, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक सिर्फ जॉब ढूंढती थी। पूरा शहर पैदल चल के मैंने एक कर दिया, कोई जॉब नहीं मिली। फिर निकला करती थी तो देखा करती थी कि एक गाड़ियाँ खड़ी है लोकल। मैं वहाँ पे एक बार गई, उड़ान एजेंसी है, सबसे पहले मैं वहीं पे गई और मैंने कहा कि मुझे ऑटो चलाना है। बस कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि मुझे ऑटो चलाना है। तो उनका पहला सवाल था कि आपको चलाना आता है? तो मैंने कहा कि हाँ चलाना आता है, लेकिन हाथ साफ नहीं है, क्योंकि बाइक और एक्टिवा वगैरह चलाती थी तो इतना पता था कि ये भी उन्हीं के जैसा होता है। तो वहाँ पे रही 10 दिन, सीखी इसको बाकायदा, और उसके बाद 1.5 महीना वहाँ पे जॉब भी की, और फिर उसके बाद मुझे ऑटो मिला और फिर मैंने चलाना शुरू कर दिया। किराए से चलाती हूँ, 350 डेली। पापा मेरे पंडिताई करते हैं। हाँ, 5 बहने हैं। डेली की इनकम मतलब ये है कि 100-200 रुपए मुझे बच जाता है, बाकी मंडे के दिन हो जाती है क्योंकि मंडे के दिन काफ़ी पब्लिक बाहर निकलती है। दूसरी बात यह कि पब्लिक का साथ नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अभी शहर में पहली लड़की हूँ, अभी कोई लड़की आई नहीं है, ये अलग बात है कि जल्दी आएगी। तो पब्लिक का सपोर्ट इतने अच्छे से नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए। मैं 12th कम्प्लीट हूँ। 12th कम्प्लीट नहीं, मुझे शासन से कुछ नहीं चाहिए। शासन जो दे रही है वही बहुत है। फ्री में दाल चावल, मतलब गेहूं और चावल दे रही है, उससे बड़ा क्या दे सकती, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, फ्री में अगर कुछ चाहिए शासन से तो शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, जो कि सबसे बड़ा बिजनेस है सरकार का। तो अगर इस बिजनेस को अगर वो बंद कर दे तो, सॉरी मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती, सरकार से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो आसानी से नहीं निकलती, क्योंकि लड़कियों को हमेशा से राजकुमारी की नज़रों से देखा जाता है। और कोई लड़की अगर निकलती तो जाहिर सी बात है उसके कुछ अपने एम्बिशन है। ये अलग बात है कि मैं नहीं पढ़ी हूँ ज़्यादा, तो जो मेरे लाइक मुझे जो सही लगा, क्योंकि
आप 12th कंप्लीट हैं, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-5,000 की जॉब मिलेगी सुबह 10 से लेकर रात में 10 बजे तक। जो आपको जॉब दे रहे हैं वो ये नहीं सोचेगा कि आप लड़की हैं, रात में 10 बजे आपको नहीं छोड़ना चाहिए, शाम के 6-7 बजे छोड़ दें ताकि आप समय से घर पहुँच जाएँ, और देने को सिर्फ 6,000 और 10 बजे की है। 10 बजे अगर मैं 10:30 बजे पहुँच रही हूँ, 3 दिन अगर महीने में मैंने कह दिया तो मुझे निकाल देंगे, तो उससे बेस्ट है कि मैं ये गाड़ी चलाऊँ। कम मिल रहा है ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे जल्दी जाना चाहिए तो मैं जल्दी रखती हूँ, क्योंकि सामने वालों को सिर्फ पैसों से लेना देना है, उन्हें पैसा दो अपना काम ख़त्म, तो जॉब करने से बेटर है। और फिर कौन है हमको डांटने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, आप लड़की को जॉब दे रहे हो, सिर्फ जॉब दे रहे हैं, आप उसको पैसे क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो काम करती है, फ्री में तो आप पैसे दे नहीं रहे हो, जो आप बाप बन के डांटने लगते हो, तो जॉब करने से बेहतर है अपना खुद का बिजनेस करना। मतलब आपका मानना है कि किसी की नौकरी करने से अच्छा है अपना? बहुत अच्छा है किसी की नौकरी करने से अच्छा। कितने बजे घर से निकलते हो? सुबह 10 बजे। शाम को? शाम को बस जैसे बैटरी खत्म हुई वैसे चले जाते हैं। पहले नहीं था, जब मैंने बताया था कि मैं ऑटो चला रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर फैमिली अपने बच्चों के प्रति बहुत सिक्योर रहती है, उन्हें लगता है हमारा बच्चा करे तो कुछ बड़ा करे, और ऑटो चलाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर दूसरी बात, अभी तक शहर में से कोई थी भी नहीं, मुझसे शुरुआत हुई शहर में भी, मैं ही चलाने वाली, तो उन्हें अच्छा नहीं, मेरे पापा 3-4 महीने मुझसे बात भी नहीं किए, हालांकि अब सब कुछ नॉर्मल है, बात भी करते हैं, अब सब ठीक है। चाहे बात ऑटो चलाने की हो या किसी भी क्षेत्र में काम करने की, लड़कियां अब हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। सोचिए ये कितना दुखद है कि रेशमा का ये कहना कि उसे पब्लिक नहीं सपोर्ट करती, क्यों? क्योंकि वो लड़की है। हम दूसरों की बच्चियों को आगे बढ़ता देख खुश होते हैं, पर अपनी खुद की बेटियों के पंख क्यों कुतर देते हैं? ये एक सवाल है आप सभी से, जिसे आपको खुद अपने आप से पूछना है। रीवा के लोगों से अपील है कि रेशमा जैसी लड़कियों को सपोर्ट करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, हो सके तो उनकी मदद कीजिए। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।